हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डी फैशन टॉक में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में इस तरह वाले सूट की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इस सूट की कटिंग की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पहले हम अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के ऊपर बराबर रखकर ऑल पिन की हेल्प से अटैच कर लेंगे, फिर उसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। कुर्ती के लिए नेक की कटिंग मैंने पहले ही कर ली थी, अब हम उस पर नेक अटैच करेंगे। उसके लिए हम कुर्ती के सेंटर को नेक के सेंटर पर बराबर रखकर ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। इस नेक को बनाने के लिए मैंने बुकरम का यूज़ किया है। अब हम बुकरम के अंदर की साइड पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमें बुकरम के किनारे पर बिल्कुल ध्यान से लगानी है। फिर उसके बाद में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम अपने नेक के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। देन जो हमने मार्जिन छोड़ा है उसके चारों तरफ छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। फिर उसके बाद में बुकरम को बैक साइड फ्लिप कर उसके किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी कुर्ती का फ्रंट नेक रेडी हो चुका है। ऐसे ही हम अपनी कुर्ती का बैक नेक भी रेडी कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम कुर्ती के फ्रंट पार्ट के शोल्डर को बैक पार्ट के शोल्डर से इस तरह रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमें कुर्ती का बैक पार्ट सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट उल्टा। देन हम शोल्डर की सिलाई लगा देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स रेडी कर लेंगे। स्लीव्स के बॉटम पे हम पट्टी अटैच कर लेंगे। ये पट्टी बनाने के लिए हमारी कुर्ती के मेन फैब्रिक में से जो कपड़ा बच गया था मैंने उसका यूज़ किया है। सिलाई लगाने के बाद में जैसे हमने पहली स्लीव्स रेडी करी है वैसे हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करने से पहले हम आर्म होल्स की कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम स्लीव्स के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से बराबर रखते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स को हमें कुर्ती के साथ अच्छे से एडजस्ट करते हुए सिलाई लगानी है। जैसे हमने अपनी कुर्ती की पहली स्लीव्स रेडी करी थी वैसे ही हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। अब हम कुर्ती के दोनों पार्टों को बराबर रखते हुए ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो, और ऐसे ही हम अपनी स्लीव्स को बराबर रखकर ऑल पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके लिए पहले हम कुर्ती के सेंटर पर निशान लगा लेंगे। फिर आर्म होल से 3 उंगली के गैप में चेस्ट का निशान लगा लेंगे। देन हम चेस्ट के मेजरमेंट का 4th पार्ट करके निशान लगा लेंगे। जैसे कि हमारी चेस्ट का मेजरमेंट है 34 का 4th पार्ट करके 8.5 पर निशान लगा लेंगे। ऐसे हमें दूसरी साइड भी करना है। अब हम अपने शोल्डर से 13 इंच नीचे वेस्ट लाइन के मेजरमेंट का 4th पार्ट करके 7.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद सेम ऐसे ही शोल्डर से 20 इंच नीचे हम हिप्स के निशान लगा लेंगे। देन हम सभी मेजरमेंट के निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हम अपने स्लीव्स की फिटिंग का निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारी
स्लीव्स के बॉटम का मेजरमेंट है 9 इंच, तो उसका हाफ करके 4.5 पर निशान लगा लेंगे। ऐसे ही आर्म की फिटिंग के लिए कुर्ती के शोल्डर से 6 इंच नीचे मेजरमेंट का हाफ करके निशान लगा लेंगे। देन उसके बाद सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे। सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले स्लीव्स में किया था, वैसे ही हमें दूसरे स्लीव भी लेने और उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाना है। जहां हमने कुर्ती के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगाए थे, वहां पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम कुर्ती के ही पेरिया से सिलाई को पक्का करते हुए पहले सिलाई से 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की तरफ 1 सिलाई और लगा देंगे। ये सिलाई हमें बाजू के एंड तक लगानी है। लास्ट में डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। जैसे हमने कुर्ती के एक साइड सिलाई लगाई थी, वैसे हम कुर्ती के दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे। अब हम कुर्ती के बैक पार्ट के बॉटम में डिज़ाइन देने के लिए हमारी कुर्ती के फ्रंट पार्ट के फैब्रिक में से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया था, उसकी एक पट्टी निकाल कर अटैच कर देंगे। ऐसे ही फ्रंट पार्ट के बॉर्डर भी अटैच कर देंगे और उसके बाद कुर्ती के दोनों पार्टों के साइडों के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। सो गाइज, दिस इज द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.